वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों ने सुपर क्यूट और सुपर इंटेलिजेंट डॉग्स तो देखे होंगे और आप में से कई लोगों के पास में तो डॉग्स होंगे भी, लेकिन क्या हो जब एक डॉग खुद को सुपर डॉग मानता हो जिसके पास में बहुत सारी पावर्स हो और आखिर में वो असल का सुपर डॉग भी बन जाता है। तो चलिए फिर आज हम सभी लोग ऐसे एक सुपर डॉग से मिलते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। गाइस, इस मूवी का नाम बोल्ट है जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक बहुत छोटा सा पपी देखते हैं जिसे एक लड़की अडॉप्ट कर लेती है और उसके गले में बेल्ट पहनाती है जिसका नाम वो बोल्ट रखती है। बोल्ट को बड़े हुए पूरे 5 साल बीत चुके थे जहाँ पे लड़की अपने फादर से बात करती है और कहती है कि आप कहाँ पर हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि इसके फादर एक साइंटिस्ट है जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और वो अपनी बेटी जिसका नाम पेनी होता है उसे बताते हैं कि तुम्हें बस आज घर नहीं जाना है और तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल्ट है। हमने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेनी और बोल्ट अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और इसी के साथ वो अपने डैड को भी ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पे बीच रास्ते में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन बोल्ट अपनी सुपर पावर से एक के बाद एक सभी को मार गिराता है। एक टाइम ऐसा आता है जब उन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना था लेकिन उससे पहले बहुत सारी गाड़ियां और चॉपर उनके सामने खड़े थे। लेकिन तब पेनी बोल्ट को एक इंस्ट्रक्शन देती है स्पीक का। जैसे ही बोल्ट बार्क करता है यानी कि भौंकता है तो वहाँ पे सारा रोड टूट के गिर जाता है और सभी लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। पेनी यहाँ बोल्ट को अपनी गोदी में उठा के वापस अपनी वैनिटी वैन में ले जाती है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये सारी चीजें तो एक शूटिंग के अंदर हो रही है। यहाँ पे डायरेक्टर प्रीवियस सीन को देखते हुए अपनी टीम को डांटता है और कहता है कि बोल्ट को माइक कैसे दिखने दिया तुम लोगों ने, अगर उसे माइक दिख जाता तो उसके सारे एक्सप्रेशन बिगड़ जाते। यहाँ मूवी में दिखाया जाता है कि बोल्ट ये सारी चीजों को रियल मानता है यानी उसे ये नहीं पता है कि इन सारी चीजों की शूटिंग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बोल्ट को अभी भी यही लग रहा है कि पेनी मुसीबत में है, इसी कारण वो दरवाजे की तरफ एक टुक देख रहा था। पेनी बोल्ट को काम करती है और इसी के साथ अब पेनी के जाने का टाइम था जहाँ पे उसे बहुत सारी फोटो शूट्स कराने थे। इसी कारण वो बोल्ट को वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। वो अपने मैनेजर से भी पूछती है कि क्या मैं बोल्ट को थोड़े दिनों के लिए एक वीकेंड पे ले जाऊँ, उसे बाहर की दुनिया दिखाना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पे पेनी का मैनेजर मना कर देता है और कहता है कि मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगा लेकिन अभी तो कुछ दिनों तक तुम्हें शूटिंग पे ही रहना पड़ेगा। यहाँ इस शूटिंग पे दो कैट्स भी थी जो कि बोल्ट के पास जाके उसका मजाक उड़ाने लगती है, जहाँ पे ये कैट्स बोल्ट को प्रोवोक करती है। ये ग्रीन आई ब्लोरा पेनी को हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा और इस बात पे बोल्ट बिलीव भी कर लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट सीन शूट होने वाला था जहाँ पे बोल्ट और पेनी पेनी के फादर को बचाने के लिए कैसे तैसे करके गार्ड से बचते हुए एक कैबिन में पहुंचते हैं और वहां जाते ही पेनी को किडनैप कर लिया जाता है। ये चीज बोल्ट की आंखों के सामने हुई थी, हालांकि ये सब तो शूटिंग थी लेकिन बोल्ट को यहाँ पे उठा के ले जाया जाता है। बोल्ट अभी भी यही सोच रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड पेनी को किडनैप कर लिया गया है। पेनी यहाँ पे अपने मैनेजर से कहती है कि एक बार मुझे बोल्ट से मिल लेने दीजिए, नहीं तो उसे यही लगेगा कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ। तो उसका मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं, बोल्ट को ऐसे ही रहने दो, इससे उसके फेस पे अच्छे एक्सप्रेशन आएंगे। यहाँ रात होने पे बोल्ट बहुत परेशान हो जाता है और फिर से ये कैट्स आके बोल्ट को कहती है कि अब तो पेनी का क्या होगा, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। मौका देख के बोल्ट यहाँ उस वैनिटी वैन से बाहर निकल जाता है पेनी को ढूंढने के लिए, लेकिन गलती से वो एक ऐसे ट्रक में पहुंच जाता है जिसके कार्टून के अंदर पैक होके वो कहीं बहुत दूर निकल जाता है। जब वो बॉक्स ओपन होता है तो बोल्ट एकदम फुर्ती से उस जगह से भागता है उस कंटेनर को ढूंढने के लिए जिसके अंदर पेनी थी। ये वो पहला दिन था जब इस डॉग ने अपनी आंखों से नई दुनिया को देखा था। जाने अनजाने तेजी में भागते हुए बोल्ट की नेक एक बार्स के बीच में फंस जाती है। बोल्ट को लगता है कि उसके पास में तो बहुत सारी सुपर पावर्स है और वो इसी बार्स को खोल देगा, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ पिजन्स आते हैं जो कि बोल्ट को बोलते हैं कि इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी नेक को थोड़ा सा गोल घुमाओ और पीछे की तरफ हटा लो तो तुम बाहर निकल जाओगे। बोल्ट बाहर आने के बाद इन पिजन से पूछता है कि क्या तुमने पेनी को देखा है। यहाँ ये पिजन भी सोच रहे थे कि हमने इस डॉग को कहीं ना कहीं तो देखा है लेकिन आखिर कहाँ देखा है। बोल्ट यहाँ पे इन पिजन से पूछता है कि क्या तुमने ग्रीन आई ब्लोरा को देखा है, उसके पास में कैट्स भी है। तभी यहाँ पे पिजन बोलते हैं कि हाँ, हम कैट को जरूर जानते हैं और ये यहीं कहीं आसपास रहने वाली है। कैट से बोल्ट को मिला देते हैं। इस कैट का नाम मिली था। मिली को देखते ही बोल्ट गले से पकड़ लेता है क्योंकि हूबहू ऐसी ही कैट एक सेट पे भी थी। बोल्ट यहाँ पे मिली से पूछता है कि बताओ तुम लोगों ने पेनी को कहाँ रखा है। बेचारी मिली को तो पहले ही कुछ पता ही नहीं था कि आखिर ये डॉग उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो मिली यहाँ बोल्ट के गले में पहने हुए बेल्ट को देख लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि ग्रीन आई ब्लोरा कहाँ पे गया होगा, मैं बता दूंगी तुम्हें, बस तुम मुझे ऊपर ले लो। अब मिली को तो खुद की जान बचानी थी, इसी कारण वो डस्टबिन से एक पेपर निकाल के ले आती है जिसमें अलग अलग जगहों के नाम थे और वो बोल्ट को दिखाती है कि हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोगों को इसकी दूसरी तरफ यानी कि हॉलीवुड पहुँचना है। वहीं पे
रीना एब्लोरा ने पैनी को पकड़ के रखा है, जिसके बाद में बोल्ट अब मिली को अपनी ही लीश से बांध लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ही सब कुछ पता है। मिली बेमतलब में ही बोल्ट के साथ फंस जाती है, जहाँ पे बोल्ट एक ट्रक में जाने के लिए रेडी था, इसी कारण वो एक लॉ को काफी देर से स्टेयर कर रहा था। मिली पूछती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, तो बोल्ट कहता है कि मेरे पास में सुपर पावर्स है, मैं अगर इसे ऐसे ही देखता रहा तो ये जल के टूट जाएगा। मिली यहाँ पे पहले तो बहुत हंसती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जिसके बाद में अभी फिर से चोरी छुपे एक सोफे के नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद में ये सोफा एक जगह के लिए लोड हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ पैनी अपनी मॉम के साथ बैठ के बोल्ट का वेट करती है कि शायद बोल्ट वापस आ जाए। यहाँ ये जिस ट्रक के अंदर चढ़े थे वहाँ पे बोल्ट बिल्कुल शांति से बैठा था। मिली सोचती है कि वो उसके सर पे मार के यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन बेचारी मिली वहीं पे पीछे गिर जाती है, जिससे एक छोटा सा कार्टून ओपन हो जाता है और उसमें से छोटे छोटे स्पंज बाहर निकल आते हैं। इन चीजों से बोल्ट को लगता है कि ये ग्रीन आई ब्लोरा की चाल है और उससे उसकी पावर कम हो जाती है। इसी कारण हाईवे पे चलते हुए ट्रक से बोल्ट कूद जाता है और उसके पीछे पीछे बेचारी मिली भी गिर जाती है। यहाँ बोल्ट कहता है कि मेरे पैर में ये लाल लाल क्या लगा हुआ है, तो मिली कहती है कि तुम इतने बड़े हाईवे पे चलते हुए ट्रक से कूदोगे तो खून तो निकलना ही है ना। इसके बाद में बोल्ट के पेट में गड़गड़ होने लगती है, तो मिली कहती है कि इसे भूख लगना कहते हैं, क्या तुम्हें ये चीजें कुछ भी नहीं पता है। तो बोल्ट कहता है कि तुम बस कुछ भी करके मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तो मिली बोल्ट को एक पिकनिक स्पॉट पे लेके आती है जहाँ पे बहुत सारी वैनिटी वैंस थी और इसी के साथ में लोग यहाँ पे खाना भी बना रहे थे। मिली यहाँ पे बोल्ट को सिखाती है कि कैसे तुम्हें एक नॉर्मल डॉग के जैसे बिहेव करना है ताकि तुम्हें सभी लोग खाना दे दे। और बोल्ट तो था ही एक एक्टर, तो बोल्ट यहाँ पे सभी वैनिटी वैन के बाहर जाके लोगों के सामने बहुत क्यूट सा फेस बनाता है, जिससे सारे लोग उसे बहुत कुछ खाने में दे देते हैं। इन दोनों का पेट तो अब भर चुका था, तभी इन्हें एक नया दोस्त मिलता है जिसका नाम रेंगो था। वो बोल्ट को देखते ही बहुत कुछ बोलने लग जाता है कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो लाइफ में बस एक ही बार आपसे मिलना चाहता था, हालांकि मुझे ये बताओ कि पैनी कहाँ पे है। ये बात सुन के बोल्ट कहता है कि पैनी को ग्रीन आई ब्लोरा ने किडनैप कर लिया है और उसे हमें छुड़वाना पड़ेगा। ये बात सुन के तो रेंगो बोलता है कि मेरी पूरी जिंदगी आप पे कुर्बान है, मैं आप लोगों के साथ ही चलना चाहता हूँ और पैनी को मैं बचा लूंगा, मैं छोटा हूँ, मेरे दांत भी बहुत तेज है। मिली कहती है कि मैं पहले ही एक पागल को झेल रही हूँ, यानी कि बोल्ट को, और अब मैं दूसरे पागल को बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहती जो कि रियलिटी मानना ही नहीं चाहता है। वहीं पे बोल्ट कहता है कि रेंगो भी अब हमारे साथ ही चलेगा। रेंगो के दिमाग में तो और नए नए आइडियाज थे, वो इन लोगों को एस्केप करने के लिए एक ब्रिज पे ले आता है जहाँ से इन लोगों को कूदना था। रेंगो का मानना था कि बोल्ट में सुपर पावर्स है तो वो यहाँ से कूद के बच सकते हैं। तभी यहाँ पे मिली को पता चलता है कि रेंगो ने बोल्ट को टीवी पे देखा है, यानी कि बोल्ट एक टेलीविजन शो में काम करता है और एक एक्टर है, उसके पास में असली की सुपर पावर्स नहीं है। मिनी यहाँ पे बोल्ट को कुछ कह पाती तब तक ये लोग कूद चुके थे और सीधा पहुंच जाते हैं ट्रेन के ऊपर, जहाँ से पहले एक स्लाइडर निकल के बाहर आता है और बोल्ट की लीश उसी में फंस जाती है। कैसे तैसे करके ये लोग अपनी लीश छुड़ाते हैं और ऑलमोस्ट टकराने से पहले बच जाते हैं, जिसके बाद फिर से ये तीनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। और अब तो मिली पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और बोल्ट को कहती है कि तुम कोई सुपरस्टार नहीं हो बल्कि तुम एक नॉर्मल डॉग हो। तो बोल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, मैंने अगर मेरी सुपर पावर यूज की तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। तो मिली कहती है करो करो, जरा मुझे भी तो यूज करके दिखाओ तुम्हारे पास में क्या सुपर पावर है। बोल्ट यहाँ पे अपनी स्पीक वाली पावर का यूज करता है और बहुत जोर से भौंकता है, लेकिन उसके बाद में तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जिसके कारण मिली कहती है कि देख लिया कि तुम एक सुपर डॉग नहीं हो। बेचारा बोल्ट बहुत भौंकता है और तभी यहाँ पे एक पैट को पकड़ने वाली गाड़ी आ जाती है। मिली बोल्ट को कहती है कि प्लीज भौंकना बंद करो, लेकिन तब तक एक आदमी आके इन दोनों को उठा के अपने साथ ले जाता है। वहाँ दूसरी तरफ हॉलीवुड में पैनी के मैनेजर पैनी के लिए एक डॉग लेके आए थे जो कि हूबहू बोल्ट के जैसे ही दिखता था। पैनी यहाँ पे बोल्ट के मिसिंग की ब्रोशर छपवा रही थी, लेकिन जब वो न्यू डॉग को देखती है तो कहती है कि ये मेरा बोल्ट नहीं है। तब यहाँ पे वो मैनेजर पैनी को समझाते हैं कि अगर तुमने वापस से शूटिंग स्टार्ट नहीं की तो बहुत लोग की जॉब्स चली जाएंगी, क्या तुम ऐसा ही चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ बोल्ट सोचता है कि वो इस कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। मिली कहती है कि तुम कोशिश मत करके देखो, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि रेंगो बिल्कुल ब्रेवरी वाला काम करता है, वो अपने छोटे से पाउल में से बाहर निकलता है और पहुंच जाता है इस चलते हुए ट्रक पे, जहां वो बोल्ट का जैसे ही कंटेनर ओपन करता है तो बोल्ट एकदम से सर मारता हुआ आगे बाहर की तरफ गिर जाता है। बोल्ट को लगता है कि उसकी सुपर पावर्स अभी भी काम कर रही है। तब रेंगो बताता है कि ये सब कुछ तो मैंने किया है, मैंने इस कंटेनर को ओपन किया और तुम बाहर आ गए। ये बात सुन के तो बोल्ट बिल्कुल सैड हो जाता है, उसे लगता है कि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है और मिली बिल्कुल सच कह रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी रेंगो बोल्ट को कहता है कि तुम ऐसे हार नहीं सकते हो, जो करना है तुम्हें ही करना है, तुम में बहुत सारी सुपर पावर्स है और ये सारी चीजें मैं जानता हूँ, हम दोनों को मिलके पैनी को बचाना है। ये बातें सुन के फाइनली बोल्ट मान जाता है और सबसे पहले तो ये लोग मिली को बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ
जहाँ सारे पैट्स को रखा गया था वहाँ पे ये लोग चोरी छुपे अंदर पहुँचते हैं और मिली को जिस केज में रखा गया था वो भी ये केज ओपन कर देते हैं, जहाँ मिली इमोशनल हो जाती है कि तुम मुझे बचाने के लिए इतनी दूर आए। वहीं बोल्ट, मिली और रेंगो अब खुद के आगे की जर्नी शुरू करते हैं और एक ट्रक में चढ़ जाते हैं। इस ट्रक के अंदर घर का सामान रखा था, जिसके बाद में मिली अब बोल्ट को एक नॉर्मल डॉगी के जैसा बिहेव करना बताती है कि नॉर्मल डॉग्स क्या क्या किया करते हैं। तो बोल्ट पूछता है मिली से कि तुम्हें आखिर इतनी चीजों के बारे में कैसे पता। तो मिली कहती है कि तुम इन चीजों के बारे में मत सोचो। मिली मन ही मन कहती है कि मैं भी पहले ऐसे ही एक घर में रहा करती थी। जिसके बाद में बोल्ट को एक नॉर्मल डॉगी की चीजें करने में बहुत मजा आता है। मिली उसे इंसानों की जैसी ट्रेन कर रही थी और बोल्ट भी वैसी ही चीजें करता जा रहा था। ये लोग अपनी जर्नी आगे से आगे फॉलो करते ही जा रहे थे। एक दिन एक जगह पे रुक कर मिली बोल्ट को कहती है कि देखो मैंने हमारे लिए क्या किया है, ये बड़ा वाला घर तुम्हारा और ये छोटा वाला घर हमारा, हम दोनों यहाँ पे साथ में ही रहेंगे और हमारे साथ रेंगो भी रहेगा। तो बोल्ट यहाँ पे मिली को साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैनी के पास जाना है। ये चीज सुन के मिली बोल्ट को बहुत समझाती है कि पैनी तुमसे प्यार नहीं करती है, वो बस एक एक्ट्रेस है। वो बोल्ट को एक बड़ा सा बैनर भी दिखाती है और कहती है कि ये सब कुछ एक टीवी सीरियल है। मिली यहाँ पे ये भी कहती है कि मुझे भी किसी ने ऐसे ही बहुत प्यार किया और उसके बाद एक दिन अकेला भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद से मैं किसी पे बिलीव नहीं करती। लेकिन बोल्ट यहाँ पे मिली के बिना सुने ही अकेला निकल पड़ता है। जब रेंगो यहाँ पे वापस पहुँचता है और मिली से कहता है कि बोल्ट कहाँ है, तो मिली रेंगो का दिल नहीं तोड़ती है क्योंकि रेंगो भी इन चीजों में बिलीव करता है, यानी कि सुपर पावर्स में। और वो रेंगो को कह देती है कि बोल्ट ग्रीन आई ब्लोरा से अकेले लड़ने गया है, इसी कारण रेंगो भी बोल्ट की हेल्प के लिए पीछे पीछे जाता है। तो मिली कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो, तो रेंगो कहता है कि मैं मेरे दोस्त को अकेला नहीं जाने दे सकता हूँ, वहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है। बोल्ट कैसे तैसे करके हॉलीवुड पहुँच जाता है और वहाँ पे कुछ पिजन से मिलता है, जहाँ पे पिजन बोल्ट को देखते ही कहते हैं कि तुम तो हमारे सुपर स्टार हो, हम लोग तुमको एक स्टोरी बताना चाहते हैं जो कि तुम नेक्स्ट एपिसोड में यूज करो। बोल्ट उनकी हेल्प लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी जरूर सुनूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताओ कि पैनी कहाँ मिलेगी। फाइनली बोल्ट उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे पैनी और वो रहा करते थे। इधर रेंगो को अभी भी लगता था कि सामने खड़ा हुआ इंसान ग्रीन आई ब्लोरा का एक आदमी है और वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो आदमी तो रेंगो को ऊपर उठा लेता है और कहता है कि ओ माय गॉड तुम कितने क्यूट हो। यहाँ पे पीछे पीछे मिली भी पहुंच चुकी थी क्योंकि उसे पता है कि बोल्ट अकेला ये काम नहीं कर सकता है। वहीं अपनी आंखों के सामने बोल्ट पैनी को देखता है और उसकी तरफ भाग के आने ही वाला था, लेकिन तभी पैनी किसी दूसरे डॉग को गले लगा लेती है। ये चीज देख के बोल्ट को लगता है कि मिली सच कह रही थी, पैनी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है और ना ही वो मुझे याद करती है। जिसके बाद में बोल्ट उस जगह से चला जाता है, लेकिन असल में तो पैनी अब अपनी मॉम के गले लग के रो रही थी कि मुझे बोल्ट की आज भी बहुत याद आती है। इन चीजों को मिली सुन और देख चुकी थी, जिसके बाद में पैनी का अब एक न्यू सीन शूट होने वाला था और पैनी को ऊपर हार्नेस से बांध रखा था। यहाँ बोल्ट बाहर निकल के जा रहा था कि तभी उसे मिली रोकती है और बोल्ट को कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, पैनी तुम्हें आज भी बहुत प्यार करती है। तो बोल्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तभी यहाँ पे वो मिली को चुप कराता है कि एक मिनट मुझे सुनने तो, कुछ आवाजें आ रही है। जहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसी सेट के ऊपर जो दूसरा डॉगी था वो फायर देख के डर जाता है और इधर उधर जिन चीजों से टकराता है उससे वहाँ पूरे सेट में आग लग जाती है। बोल्ट यहाँ पे भागते हुए पैनी की जान बचाने के लिए उसी आग से भरे हुए सेट में कूद जाता है। पैनी कैसे तैसे अपनी हार्नेस खोल के नीचे तो आ जाती है, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं दिख पाती है कि वो बाहर कहाँ से निकले। तब बोल्ट भाग के आता है और पैनी के आगे गले लग जाता है। तब पैनी कहती है कि ओ माय गॉड तुम अभी तक जिंदा हो। वहीं पैनी जैसा कि बोल्ट को ट्रेन किया गया था वैसे ही उसे इंस्ट्रक्शन देने लगती है, यानी कि जूम जूम कहती है, जिससे बोल्ट आगे की तरफ भागने लगता है रास्ता दिखाते हुए। जिसके बाद में दोनों एक फैन के पास में बैठ जाते हैं। पैनी तो यहाँ बेहोश हो जाती है, लेकिन बोल्ट को अब समझ में आता है कि उसे ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जिसके बाद बोल्ट अपनी पूरी पावर से बहुत जोर से बार्क करता है, यानी कि बहुत जोर से भौंकता है, जिससे बाहर खड़े सभी लोगों को भौंकने की आवाजें आती है और उन्हें लगता है कि अंदर अभी भी कोई जिंदा है। बाहर खड़े लोग पैनी और बोल्ट को रेस्क्यू कर लेते हैं और आखिरकार ये लोग बिल्कुल सेफली बाहर आ जाते हैं, जहाँ पैनी का मैनेजर पैनी की मॉम को कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोगों को बहुत सारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा और हम लोग बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाएंगे। ये बात सुन के पैनी की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मैनेजर को धक्का दे के बाहर निकाल देती है। लेकिन ये शो अभी भी बंद नहीं हुआ था, यहाँ पैनी की जगह मेन एक्ट्रेस को बदल दिया गया था और ये शो अभी भी कंटिन्यू चल रहा था, जो कि बोल्ट मिली और रेंगो बैठ के टीवी पे देख रहे थे। यहाँ पे पैनी की मॉम भी थी और पैनी भी थी, और पैनी अब एक नॉर्मल डॉग के जैसे ही बोल्ट को ट्रीट करती है, यानी कि उसे घर के बाहर ले आई थी। और इसी के साथ ये सुपर डॉग की सुपर पावर वाली मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे बोल्ट, जो कि एक सुपर हीरो की पहले एक्टिंग किया करता था, असल में वो एक सुपर डॉग में बदल चुका था, यानी कि वो
वो कैसे भी करके अपने ओनर की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। यही रीजन है गाइस कि हम सभी लोगों को डॉग्स बहुत पसंद है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।